नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर जिले में मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत लोहरसी में बना गौठान इन दिनों मवेशियों के लिए मौत का घर साबित हो रहा है, क्योंकि लोहरसी स्थित गौठान में 2 दर्जनों से भी अधिक गायों की मृत्यु हो गई है। और यह घटना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरुआ घुरुआ और बाड़ी को मवेशियों के लिए वरदान बनाने के बजाय अब यह अभिशाप साबित हो रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने व पशुओं के संरक्षण के उद्देश्य से नरवा गरुआ घुरुआ और बाड़ी योजना की शुरुआत सर्वप्रथम की गई थी, लेकिन मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत लोहरसी में गौठान प्रबंधन और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लगभग 35 से 40 गायों की मृत्यु हो गई है। वहीं मृत्यु का कारण प्रबंधन द्वारा चारे की व्यवस्था न करना, अंजोला टैंक का निर्माण न करवाना और निर्माण एजेंसी द्वारा गाइडलाइन के विपरीत निर्माण कार्य किया जाना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मस्तूरी क्षेत्र में टोटल 19 गौठान बनाए जाने हैं, जिनमें से लोहरसी सहित 14 गौठानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और 5 गौठानों का निर्माण कार्य जारी है। आधे अधूरे व्यवस्था के बीच ही आनन फानन में लोहरसी स्थित गौठान का उद्घाटन बड़े नेताओं द्वारा कर दिया गया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद 2 दर्जन से भी अधिक गायों की मौत ने प्रबंधन और उच्च अधिकारियों के निष्क्रिय कार्य प्रणाली और लापरवाही को उजागर कर दिया है। 40 मर गए हैं और अभी फिर कई ठोक को तो नहर में लोग बहा दिए, अब कई जो है पीछे पड़ा हुआ, अभी तो पोस्टमार्टम हुआ कल शाम को करीब 6 गायों का, और अभी को तो जेसीबी ला के दफना रहे, और चारा वारा नहीं है इसके वजह से हुआ है, कुछ नहीं यहाँ पर पंचायत नहीं, इसके पंचायत में इतना फंड आ रहा है मवेशियों को चारा के लिए, चौकीदार है चराने के लिए सब कुछ, उसके बावजूद भी लोग कल शाम को करीब 300 जानवर को छोड़ दिए, पूरे किसानों का फसल बर्बाद कर दिया। हम तो किसान ये मांग कर रहे हैं जितना हमारा फसल बर्बाद हो उसका मुआवजा दिया जाए, यही अभी SDM साहब से बोले हैं हम लोग, और महिलाएं तो आई हैं, सब लोग हैं पीछे बैठे हैं, तो जानकारी हम लोग चाहिए कि जो किसी तरीके हमारा फसल जो बर्बाद हुआ है और गौठान पर अगर जानवर को रखना भी है तो उसके लिए उचित व्यवस्था करें, उचित प्रबंध करें, फिर गौठान की समस्या का निदान किया जाए। प्रबंधन और अधिकारियों की निष्क्रियता और लापरवाही का मंजर यही नहीं थमा, उनके द्वारा मृत गायों के शवों को नहर में बहा दिया गया, जिससे गायों के शव नहर के बीच में ही फंस गए। जैसा कि ग्राम वासियों ने बताया है कि आसपास के ग्राम पंचायतों से लावारिस पशुओं को रात में लाकर यहाँ पर छोड़ दिया गया था, और गाँव वालों ने उन्हें फसल बचाने के लिए गौठान में रात में बंद कर दिया था, तो उस कारण उनको रात में पर्याप्त चारा नहीं मिलने के कारण उनकी मौत हुई है। और आगे निर्देशित किया गया है कि इस तरीके से गौठान की जो कल्पना की गई है वो डे केयर शेल्टर की तरह है, उसे रात में यहाँ गौठान में मवेशियों को बांध के नहीं रखना है, तो इस बारे में निर्देशित किया गया है। यहाँ जिम्मेदार अधिकारी कृषि विभाग को दिया गया, वो अभी यहाँ मौजूद हुए नहीं, सभी विभाग के कर्मचारी अपना अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर आकर। गौठान निर्माण से क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में गायों की मौत होना अधिकारियों, ग्राम पंचायतों व प्रबंधन की भ्रष्ट कार्यशैली को उजागर कर रहा है। बहरहाल गौठान प्रबंधन अधिकारियों द्वारा सरकार के पशु संरक्षण के सपने को चकनाचूर कर दिया है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि प्रदेश के मुखिया यानी भूपेश सरकार तक गायों की निर्मम मृत्यु की खबर पहुंचने के बाद लापरवाह और निष्क्रिय प्रबंधन व अधिकारियों के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। लोगों अपना पशुपालकों से क्या बोलते हैं सहयोग लेकर हमें चारा का व्यवस्था करना है, जो गांव के पशु हैं उनके लिए ग्राम में जो व्यवस्था है वो बता रहे हैं कि वो अपने पशुओं को के लिए चारा की व्यवस्था करते हैं, लेकिन ये जो डेथ हुआ है वो लावारा पशु आसपास के गाँव वासियों ने छोड़ दिया था उनकी हुई है, तो अभी निर्देशित किया गया है कि रात में थोड़ा पेट्रोलिंग वगैरह बढ़ाया जाए, ताकि जो आसपास के गांव से लोग लावारिस पशुओं को छोड़ दे रहे हैं लाकर जिन गांव में गौठान है वैसी स्थिति भी दोबारा नहीं पेट गाँव। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन के साथ नागेश्वर जांगड़े की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।